आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं फिश चिली ड्राई, चाइनीज़ कुजीन की डिश है ये। बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, क्रिस्पी होगी और इसका जो टेस्ट होगा वो ऑथेंटिक होगा। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए आइए मैं आपको बता देता हूँ। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें एक अदद अंडा चाहिए होगा, इसके साथ ऑयस्टर सॉस, ये गार्लिक और जिंजर को मैंने चॉप किया हुआ है, इसके साथ हमें स्प्रिंग ऑनियन इस तरह कटा हुआ चाहिए होगा इसकी गार्निश के लिए, और इसमें भी हम डालेंगे। और इसके साथ साथ हमें रेड चिली पेस्ट, ये होममेड है, ये मैंने बनाई हुई है, ये हमें चाहिए होगी। और इसके साथ हमें सिरका चाहिए, डार्क सोया सॉस, और फिर मैरिनेशन के लिए ही कॉर्नफ्लोर चाहिए। तो इसके साथ हमें कुछ और इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी चाहिए होंगे, जिस तरह जिंजर है, इस तरह जुलियन किया हुआ है मैंने काट कर रखा हुआ है, ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आप स्पाइस खाते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। इसके साथ और हमें फ़िश चाहिए होगी, यहाँ पे फ़िश मेरे पास है, ये मैंने आपके लिए रखी हुई है। इसको स्लाइस किस तरह काटना है, एक फिले पूरा मैंने रखा हुआ है, बाकी मैंने ये स्लाइस काट कर रखी हुई है। तो आइए हम फ़िश काटते हैं, फिश को स्लाइस किस तरह करेंगे, फिश को स्लाइस करेंगे इस तरह से ये स्लाइस। इसी तरह मैंने बाकी फिश को पूरा काट कर रखा, ये पूरा रेड स्नैपर का फिले है, इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह स्लाइस कर लिया था, जो बाकी कट गई है ये स्लाइस हो गए हैं। हम इसको बॉल में डालेंगे। अब हम ये फिश जो स्लाइस की हुई है इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे, उसके साथ अंडा डालेंगे, उसके साथ हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तकरीबन ये मैंने 2.5 टेबल स्पून डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। फिश हमारी मैरिनेशन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको डीप फ्रायर करेंगे कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर, उसका टेम्परेचर कम से कम ऑयल का हमारा 300 से 350 के दरमियान होना चाहिए। तो आइए चलिए हम फिश को फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम मैरिनेशन जो की हुई फिश थी इसके अंदर डालेंगे। मैरिनेशन आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, फिर ही ये फिश हमारी क्रिस्पी बनेगी। बाद लोग कॉर्नफ्लोर के साथ मैदा यूज़ करते हैं, लेकिन मैदा जो है वो जो चीज़ आप फ्राई करेंगे उसको क्रिस्पी नहीं बल्कि सोगी करता है, इसलिए कॉर्नफ्लोर बेस्ट है, आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करें। फिश हमारी क्रिस्पी हो रही है, थोड़ा सा कलर आएगा, हल्का सा येलो कलर आएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। क्रिस्पी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस इसको थोड़ा सा कलर देना है, फिर उसके बाद मैं इसको डिश में निकालूंगा। फिश हमारी का कलर आ चुका है, तो क्रिस्पी हो चुकी है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। अब हम थोड़ी सी देर के बाद इसको निकाल लेंगे, फिर इसकी सॉस बनाएंगे। अब हम फिश को निकाल लेंगे। ये देखिए इसके कड़कने की कैसी ज़बरदस्त क्रिस्पी हुई है, अब इसको निकालेंगे। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे, थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे इसके अंदर, गार्लिक और जिंजर जो चॉप किया हुआ था वो डालेंगे, और इसको सोते करेंगे। अब इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है, फिर उसके बाद हम जिंजर
और ग्रीन चिली डालेंगे। गार्लिक जिंजर का कलर आ चुका है, अब हम इसमें जिंजर जूलियन और ग्रीन चिली डालेंगे। अब फिर इसको सौते करेंगे। यहाँ पे आप जितना इसको ज़्यादा सौते करेंगे चिली उतना ही ज़्यादा स्पाइस छोड़ेगी, इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा फ्राई कीजिए, सौते कीजिए, स्टेयर कीजिए, क्योंकि हमने बाद में हमारे बच्चों ने खाना है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा सौते नहीं करेंगे। अब इसमें जो सॉस की चीज़ें हैं वो डालेंगे, फ्लेम थोड़ा कम कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस, इसके साथ डार्क सोया सॉस, चिली पेस्ट एक टीस्पून मैं डाल रहा हूँ, तकरीबन एक से भी थोड़ी सी कम है, और विनेगर तकरीबन डेढ़ टेबलस्पून मैंने डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जब हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे, तकरीबन हमारा मिक्स हो चुका है और जो हमने फिश फ्राई की हुई है अब वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्सिंग करनी है, फ्लेम को तेज कर लेंगे। फिश हमारी जितनी सॉस बनाई है हमने वो सारी फिश को स्वाद लग चुकी है। अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे। निकालने से पहले हम स्प्रिंग ऑनियन इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम मिक्सिंग कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बन जाए। अब इसको डिश से निकाल लेंगे। इसमें डिश में निकाल लेंगे। अब हम इसकी जो जूलियन हमारा जिंजर था उसके साथ गार्निश कर देंगे। आप इसमें ग्रीन चिली भी गार्निश कर सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन के साथ भी गार्निश कर सकते हैं और जिंजर। ग्रीन चिली क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि स्पाइस है, बच्चों ने खाना है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। ग्रीन चिली ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं। तो ये गार्निश में ये तीन चीज़ होती हैं, स्प्रिंग ऑनियन, जिंजर और ग्रीन चिली। ये स्प्रिंग ऑनियन हम इसके ऊपर डाल देंगे। आज की हमारी फिश चिली ड्राई रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा इसका टेस्ट बना है। इसका जो खाने का अंदाज़ है इसके साथ फिश चिली और स्प्रिंग ऑनियन और जिंजर साथ खाया जाता है ताकि इसका जो कम्बिनेशन है टेस्ट का वो पूरा का पूरा आपको मिल सके, डिवेलप हो सके। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। परफेक्ट है ये, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैंने बनाई है परफेक्ट है, वाकई ही परफेक्ट है। इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई कीजिए, बिल्कुल बैलेंस है, ना स्पाइसी है और फिश अपने टेक्सचर के साथ बिल्कुल क्रिस्पी है। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी हमारी फिश चिली ड्राई आपको ज़रूर पसंद आएगी।
अगर आपको ये पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।